गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित पुलिस थाने में सीएलजी के सदस्यों की बैठक आयोजन किया गया। सीएलजी की बैठक में गोविंदगढ़ तहसील क्षेत्र में चल रही कच्ची शराब, गली गली पनप रहे सट्टे व अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों का मुद्दा सीएलजी के सदस्यों ने उठाया। वहीं थानाधिकारी दारा सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बारे में ध्यान न देकर आपसी भाईचारा बनाने की मांग की और जन सहयोग से थाने परिसर में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस के जवानों के लिए वाटर कूलर तथा बाजार में लाइट लगाने की मांग की गई ताकि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। थाने परिसर के भवन को लेकर भी बैठक में मुद्दा छाया रहा, जिसमें पंचायत द्वारा प्रस्ताव एसडीएम कार्यालय को भेजना बताया गया। बैठक में मंडी चेयरमैन काकाफूल, मुकेश छतरपुरिया, रोशन बंता शर्मा, कांग्रेस महिला मोर्चा दामोदर गर्ग, के जैन, पूर्व उप सरपंच सहित मुकेश शर्मा, देव पटेल, कृष्ण सोलंकी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पुलिस की तरफ से तो सीसीटीवी कैमरे की डिमांड थी पब्लिक से, और जो मुलजिमों की जो धरपकड़ है उसमें पब्लिक सहयोग करे तो अपराध पर अंकुश और लगेगा, और पब्लिक की जो अपेक्षाएं पुलिस से हैं उसमें जो अवैध रूप से जो ये ट्रेस पास होता है दारू का, जो कच्ची शराब है, उसके लिए उनकी डिमांड है कि साहब बाहर से लोग आते हैं और इस तरह यहाँ चला के चले जाते हैं। और दूसरा मुद्दा बाजार में अतिक्रमण का है, तो उनके लिए इनसे कह दिया गया कि आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दें और अपने स्तर भी पर भी हम उसको ठीक करेंगे। और जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, जो व्यक्ति जहाँ ट्रेन लगा रखे हैं, जब शटर बढ़ा रखे हैं, उनको ठीक करवाने की हमने इनसे कह दिया कि भाई आप अपने टाइम से हम उसको रखा देंगे। लोगों से बोल के उन्होंने लगवा रखे आगे रास्ते में, जो ब्लॉक कर रखे हैं सबको लगा दें। इसके लिए पब्लिक से कह दिया है अगर आपके पास कोई सूचना इस तरह की हो, हम भी प्रयास करते हैं, सूचना हो तो हमें बताएं, इंटीमेट करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।